हेलो गाइस, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रियंका आ गई हूँ आप सभी लोगों का खास प्रोग्राम लेकर, सुपर स्टार स्पेशल। जी हाँ दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री में खासकर जो स्टार्स होते हैं, जो हीरो होते हैं, जो हीरोइनें होती हैं, उनके दर्शक सबसे ज़्यादा दीवाने होते हैं और उनके बारे में हर बार कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अलग जानने की कोशिश करते रहते हैं। और इसी वजह से हम आप लोगों के बीच लेकर आ गए हैं सुपरस्टार स्पेशल में आपके भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स के साथ जुड़ी कुछ खास जानकारियाँ। तो चलिए आज की पहली शुरुआत करते हैं और शुरुआत ही हो गई है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार्स में। सबसे पहले नए कलाकार यानी कि प्रमोद प्रेमी यादव को लेकर। प्रमोद प्रेमी यादव का हाल ही में फिल्म मुन्ना मवाली 5 अक्टूबर को मुंबई के सिनेमाघरों में रिलीज हुआ, जिसके बाद वो खुद अपनी फिल्म को देखने पहुंचे, जहां पर भोजपुरी के 3 बड़े स्टार पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के बारे में क्या कहा उन्होंने, आइए आप लोगों को भी सुनाते हैं। स्टार्ट योर करियर विद अस। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा 3 हीरो के बीच आपस में तकरार होती रहती है, चाहे वो फिल्म को लेकर हो या फिर किसी गाने को लेकर। जी हाँ, और वो 3 हीरो हैं पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ। लेकिन इस समय पर आप लोगों ने देखा होगा कि इस समय पर एक नए हीरो की एंट्री हुई है। जी हाँ, जिनका नाम है प्रमोद प्रेमी यादव, जिनकी फिल्म मुन्ना मवाली आई है। और उसके बाद किस तरह से प्रमोद प्रेमी यादव अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, या यूं कह लें कि आगे बढ़ने का प्लान वो कर रहे हैं, आइए आप लोगों को भी सुनाते हैं। जो दौर चल रहा है सारी पवन दिनेश जी का, उस दौर से आपके क्या तैयारी चली कि आप उनको आगे, उनसे आगे निकले हैं? सबकी मेहनत करेला, सबकी मेहनत करके ऊर्जा पहुँचल बताऊँ, प्रयास कर पूजा मेहनत करके ऊर्जा पहुँचे और वो मुकाम पर जाई जहाँ सपना बा हमारा। तो देखा आप लोगों ने दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री के नए कलाकार प्रमोद प्रेमी यादव भाई काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि वो पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव निरहुआ की तरह ही फेमस हो सके। खैर देखते हैं उनकी ये मेहनत कब तक रंग लाती है। फिलहाल बढ़ जाते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर में जिक्र हुआ है भोजपुरी इंडस्ट्री की कॉन्ट्रोवर्सियल क्वीन यानी कि गार्गी पंडित और प्रियंका पंडित को लेकर। भाई गार्गी पंडित और प्रियंका पंडित के पास को लेकर जब भी खबरें सोशल मीडिया पे आती हैं, हर किसी का ध्यान यही चला जाता है कि कहीं ना कहीं वो खबर खेसारी लाल यादव के विवाद के साथ तो नहीं जुड़ी। लेकिन इस बार ये खबर बिल्कुल खेसारी लाल यादव के विवाद के साथ जुड़ा है। दरअसल में इन दोनों के बीच कॉन्ट्रोवर्सी जो भी हो रही थी, उसके बीच नाम आया है अब पवन सिंह का। अब आप सोच के थोड़े हैरान हो रहे होंगे कि अब इसमें पवन सिंह का क्या रोल है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि आखिरकार गार्गी पंडित और प्रियंका पंडित और खेसारी लाल यादव के बीच हुए विवाद को लेकर इस बार पवन सिंह की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया है। स्टार्ट योर करियर विद अस। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन गार्गी पंडित और प्रियंका पंडित के विवाद के बीच इस बार पवन सिंह का नाम सामने आ रहा है। जी हां, आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि आज सोशल मीडिया पर खबरें ऐसी आई हैं कि आज पवन सिंह ने एक इंटरव्यू के दौरान जब खेसारी के विवाद पर सवाल उनसे पूछे गए, तो उन्होंने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इसमें खेसारी लाल यादव का कोई दोष नहीं है। जी हां, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है और इस समय पर खेसारी की फिल्में हिट हो रही हैं, इसी वजह से लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो पहली बार पवन सिंह इस तरह से खेसारी का साथ देते हुए नजर आए हैं और दे भी क्यों ना, इस समय पर तो दोनों भाइयों का आपस में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। और पवन सिंह ने तो खेसारी के बेटे के जन्मदिन पार्टी में जाकर इस बात को साफ जाहिर कर दिया है कि अब दोनों के बीच कोई खटास नहीं है और दोनों एक साथ ही रहने वाले हैं। तो देखा आप लोगों ने दोस्तों, प्रियंका पंडित और गार्गी पंडित भाई कंट्रोवर्सी में आने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती, और खासकर अगर जो वो कंट्रोवर्सी में नहीं भी आती हैं तो उनसे जुड़ी कोई ना कोई ऐसी खबर आ ही जाती है जो उन्हें खबरों में लेकर आ जाती है। वाला आगे बढ़ जाते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर में जिक्र हुआ है भोजपुरी इंडस्ट्री की लकी अदाकारा यानी कि आम्रपाली दुबे को लेकर। भाई आम्रपाली की फिल्म, गाने, स्टेज शो, कोई भी ऐसा कोई परफॉर्मेंस हो या उससे जुड़ी खबर हो, तुरंत सोशल मीडिया पर यूँ वायरल होती है और दर्शक उनके बारे में तमाम तरह की खबरें जानना भी चाहते हैं। तो चलिए आज की शुरुआत कर देते हैं और शुरुआत होती है आम्रपाली के स्टेज शो को लेकर। जी हाँ, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने वो इस नवरात्रि के शुभ दिन के अवसर पर यानी कल वो अपने दर्शकों के लिए खास तोहफा लेकर आई हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं आम्रपाली दुबे के साथ जुड़ी ये खास रिपोर्ट। Start your career with us.
भोजपुरी सिनेमा की लखी अदाकारा आम्रपाली दुबे ने कल एक बार फिर से सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो जारी किया, जिस वीडियो के जरिए इस नवरात्रि के पहले दिन वो पंजाब के लोगों से मिलने जा रही हैं। जी हाँ, वहाँ के लोगों के लिए किसी तोहफे से वो कम नहीं। जी हाँ, आम्रपाली दुबे ने वीडियो में कहा है कि कल यानी कि 10 अक्टूबर को वो पंजाब जलंधर में बल्टन पार्क नियर डीएवी कॉलेज के पास उनका स्टेज शो होने वाला है, जहां आने के लिए सभी लोगों को आम्रपाली दुबे ने इनवाइट किया है। वैसे पंजाब में होने वाले इस स्टेज शो की तैयारी राजनैतिक मेहता महानंदा मेहता और सदानंद मेहता ने किया है, तो वही इस शो के प्रेजेंटर केवी एंटरटेनमेंट ग्रुप। जी हाँ, और इस नवरात्रि की शुरुआत आम्रपाली दुबे ने अपने दर्शकों के साथ किया है, तो वहीं नवरात्रि के आखिरी दिनों में भी यानी कि 18 अक्टूबर की तारीख को भी आम्रपाली दुबे नेपाल में स्टेज शो करने वाली है। साथ में उस स्टेज शो में खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी भी शामिल होंगी। तो देखा आप लोगों ने दोस्तों, अगर जो आम्रपाली दुबे नवरात्रि के शुभ दिन के अवसर पर तो अपने दर्शकों के लिए एक खास तोहफा यानी अपना स्टेज शो पंजाब में लेकर आ रही है, तो नवरात्रि के आखिरी दिनों के समय पर यानी कि 18 तारीख को वो फिर से एक बार नेपाल में नजर आएंगी। नेपाल के लोगों के लिए वो खास प्रोग्राम लेकर आएंगी। वेल, आगे बढ़ जाते हैं अगली खबर की ओर। जी हाँ, अगली खबर में हम बात कर रहे हैं, जब स्टेज शो का जिक्र हुआ हो ही रहा है तो क्यों ना जाते जाते खेसारी लाल यादव के स्टेज शो के बारे में भी आप को बताते चले। भाई, इस समय पर बैक टू बैक देखी जाए तो या तो दर्शक जो हमारे स्टार है वो देवी गीत लेकर आ रहे हैं या फिर स्टेज शो की तैयारियां कर रहे हैं। वैसे फिल्म का भी साइड में काम चल ही रहा है, लेकिन स्टेज शो पे इस समय पर सबसे ज्यादा चर्चा आ रही है। इसी बीच खेसारी लाल यादव को बैक टू बैक ये उनकी तीसरे स्टेज शो की जानकारी हमें मिली है। चलिए आपको दिखाते हैं आखिरकार किस दिन स्टेज शो होने वाला है और उससे जुड़ी क्या तमाम खबरें हैं, तमाम जानकारियां हैं वो हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं। तो जो खेसारी के फैन है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को लेकर आज सोशल मीडिया पर एक खबर बताई जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि 21 अक्टूबर को खेसारी लाल यादव का स्टेज शो वैशाली की पावन धरती हाजीपुर महनारा रोड मनियारपुर में होने वाला है। यहाँ खेसारी लाल यादव एक सिंगर और एक्टर के तौर पर मेहमान बनकर जाने वाले हैं और शाम को 6 बजे से इस स्टेज शो का आयोजन किया जाएगा। और इस स्टेज शो में लोगों के लिए टिकट के दो इंतजाम किए गए, यानी दो तरह के टिकट रखे गए हैं। जी हाँ, नॉर्मल टिकट 150 रुपए का है, तो वहीं पर VIP वालों के लिए 600 रुपए का टिकट है। तो वही दूसरी तरफ भोजपुरी के कई बड़े स्टार्स के नाम पर इस तरह की खबरें आ चुकी हैं कि बड़े स्टार्स के नाम पर टिकट तो खरीद लिया जाता है, लेकिन उस स्टेज शो के बारे में स्टार्स को ही नहीं पता रहता। ऐसे में जब ये ऐसी तरह की खबरें आने लगी हैं तो भोजपुरी के स्टार्स उन झूठी खबरों से बचने के लिए वो खुद ही लाइव आकर के इस तरह के होने वाले स्टेज शो की जानकारी देते हैं, लेकिन इस बार खेसारी की तरफ से इस स्टेज शो का जिक्र नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या 21 अक्टूबर को खेसारी स्टेज शो करने वाले हैं या फिर नहीं। तो देखा आप लोगों ने दोस्तों, ये थी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के वो सुपरस्टार के साथ जुड़ी खबरें जो हमेशा खबरों में बने रहते हैं, हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं। उनसे जुड़ी कोई भी खबर एक दिन भी मिस नहीं होती और इसीलिए हम अपने सुपरस्टार स्पेशल के प्रोग्राम में अलग अलग तरह के स्टार्स की खबरें जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। वाला आप लोगों को प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए और साथ में इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ जुड़े रहना है तो नेक्स्ट 9 न्यूज भोजप्रिया को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट फटाफट आप लोगों को मिल सके। फिलहाल दोस्तों, मेरा वक्त हो गया जाने का, मैं आप सभी लोगों से लेती हूँ इजाजत, लेकिन कल मैं नहीं बल्कि ममता तिवारी जी आप लोगों के बीच लेकर हाजिर होंगे आपका ये खास मन पसंदीदा प्रोग्राम। तब तक के लिए नमस्कार। Start your career with us.